डॉक्टर देशपांडे, डॉक्टर शास्त्री, मैंने आज आप लोगों को खास तौर पे अरुण का केस डिस्कस करने के लिए बुलाया है। अरुण के पागल होने की वजह और उसका इलाज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। सर, मैंने देखा है कि अरुण हर एक को शक की नजर से देखता है। उसके दिल में नफरत कूट कूट कर भरी हुई है, खासतौर से पुलिस वालों के लिए। लगता है जैसे वो बदले की आग में जल रहा है। डॉक्टर शास्त्री, मैंने तो कुछ और ही देखा है। डॉक्टर साहब, जब से अरुण को इस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, हर पूनम की रात को मैंने उस पर दौरा पड़ते हुए देखा है। डॉक्टर शास्त्री, क्या दकियानों सी बातें कर रहे हैं आप? पूनम की रात का एक इंसान के दिमाग से क्या वास्ता? डॉक्टर देशपांडे, है तो अजीब सी बात, पर मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि पूर्णिमा की रात का यानी फुल मून का एक इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है। और अगर इंसान की दिमाग की हालत अच्छी ना हो तो असर और भी ज्यादा पड़ता है। इसलिए डॉक्टर शास्त्री का ये कहना। चलो इसे शॉक रूम में। औरत मंदिर आती है, पर ये हमेशा भगवान की तरफ पीट करके क्यों बैठी रहती है? वो उस वक्त तक भगवान की तरफ मुंह नहीं करेगी जब तक उसकी मन्नत पूरी नहीं हो जाती। वो आएगा, वो जरूर आएगा।
हे इंस्पेक्टर, कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। कोर्ट ने तुझे बलात्कार के जुर्म में छोड़ दिया होगा, मगर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने नहीं। देख उस लड़की को, जानवर की तरह लुटा था तूने इसे, इसके मंगेतर ने इसे छोड़ दिया। देख इसके बूढ़े माँ बाप को, देख। मैं तुझे फिर कोर्ट ले जाऊंगा। मैं फिर छूट जाऊंगा। मैं तुझे फिर गिरफ्तार करूंगा। तू फिर छूट जाएगा। मैं तुझे कोर्ट ले जाऊंगा। तेरी जिंदगी इतनी हराम कर दूंगा कि मुझसे बचने के लिए तू भागता भागता कोर्ट जाएगा और अपने आप अपना जन्म कबूल कर लेगा। नहीं, तेरे डंडे से तो जेल अच्छी है इंस्पेक्टर, मैं कोर्ट में सब कुछ कबूल कर लूंगा। ले चलो से। विक्रम, कसरत ही करते रहोगे या नाश्ता भी करोगे? अरे फौजी का बेटा है, पूरे 200 डंड पेलेगा। हाँ न जाने कौन है वो काली कलूटी बैंगन लूटी जिसके लिए इतनी कसरत की जा रही है। भावे, खबरदार उसके खिलाफ कुछ कहा तो। हाँ हाँ, उसके खिलाफ कुछ कहा तो ऐसे चिढ़ जाता है जैसे उसे शादी हो गई। अरे क्या बताऊँ भाभी, वो बस बस 100 बार सुन चुकी हूँ। तुम पुलिस ट्रेनिंग खत्म करके शहर वापस आ रहे थे, वो बोर्डिंग स्कूल से वापस आ रही थी, सफर में मुलाकात हो गई और तुम्हें पहली नजर में उसे प्यार हो गया। बस फिर वो शहर में गई, खो गई। सफर में उसकी एक तस्वीर मिली थी, सो अपने पास है, ना ही उसका नाम मालूम और ना ही पता। मुझे दिखाना दिखाना ना। क्या तू तो कभी किसी को नहीं दिखाएगा? नहीं। अरे फिर ढूंढ तो ले उसे। ढूंढूंगा। पुलिस में है ना तू? ढूंढूंगा भाभी, ढूंढूंगा। सुन, जिस दिन मैं उसे ढूंढूंगा ना, तू शगुन लेके इसके घर पहुंच जाना। हाँ हाँ, मैं तो जाऊंगी ही। फिलहाल कमिश्नर साहब आपके शगुन का इंतजार कर रहे होंगे। अरे बाप रे बाप, 10:30 बज गए। भाभी तू हमेशा इन्हीं बातों में मुझे लेट कर देती है। तू मैं लेट कर देती हूँ? सुन तो फाजी कहेगा। मॉर्निंग सर। एट ईज इंस्पेक्टर, ये है एडवोकेट सिन्हा। सिन्हा साहब, ये है इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। हेलो इंस्पेक्टर, आज से पागल अरुण का केस तुम संभालोगे। अरुण सक्सेना, उस पागल का केस? डंडा नीचे करो। सॉरी सर। इंस्पेक्टर, अरुण सक्सेना सिर्फ पागल ही नहीं, मुजरिम भी है। इंस्पेक्टर, उसने खून किया है, उसे फांसी की सजा मिल चुकी है, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ, लेकिन वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गया। सर सर, मुझसे ठीक ठाक लोग तो बर्दाश्त नहीं होते, वो पागल के साथ तो मैं पागल हो जाऊंगा। डंडा नीचे। सॉरी सर। वैसे भी तुम्हारा डंडा मुजरिमों पे कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपनी वर्दी उतार दो। उतार दूं? अरुण सक्सेना को पुलिस वालों से सख्त नफरत है, वो वर्दी देखते ही भड़क उठता है। पर हम जहां कर रहे हैं? कोर्ट की तरफ से अरुण सक्सेना की दिमागी हालत पता करने की नोटिस आई है, इसलिए हम पागल खाने जा रहे हैं। अब बताइए डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा मुजरिम अरुण सक्सेना? वो फांसी के लायक हुआ या नहीं? वकील साहब, कोई पागल 24 घंटे पागल नहीं होता, और ये अरुण सक्सेना तो एक अजीब केस है, अ केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पैरानोया। उसकी कई शख्सियतें हैं, अचानक गुस्सा हो जाता है और फिर अगले पल शायरी करने लगता है। उस दिन मैंने उससे कहा, तुम कायर हो, अपने पागलपन के आड़ में छुपे बैठे हो, तो कहता क्या है, डॉक्टर मैं कायर नहीं, मैं शायर हूं। मेरे ख्याल से उसे मिल लिया जाए।
सर। क्यों नहीं देशपांडे? यस सर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके सर पे कब खून सवार हो जाए और वो किस चीज को हथियार बना ले कहा नहीं जा सकता। अरुण सक्सेना को यहां ले आइए। अरुण, कैसी तबीयत है तुम्हारी अरुण? अरे अब तो फर्स्ट क्लास लगता है। हेलो अरुण। सब नकली एक्टिंग, साले सब एक्टिंग करते हैं। अरुण ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? आईना देखा तुमने? मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें कोई पागल नजर आता है। ये मैं नहीं, इसमें सारा जहां नजर आता है। तुम्हारा मतलब है ये सारा जहां पागल है? हम सब पागल हैं? तुम पागलों से बचने के लिए ही तो मैं यहां आकर बंद हो गया हूं। मतलब की बात करो। अरुण, मेहमानों से इस तरह बात नहीं करते। अच्छा इनसे मिलो, ये हैं हमारे नए मेहमान विक्रम सिंह। नाम क्या है तेरा? विक्रम सिंह। 6425757। 6425757? 6425757? लेकिन ये तो मेरा नंबर है। इसमें चौंकने की बात नहीं है विक्रम साहब। पर उसे उसे मेरा टेलीफोन नंबर? इसने बैठे बैठे पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी याद कर ली है। देखा देखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब मुझे पागल बनाने की कोशिश में हो। मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ अरुण, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कब छोड़ोगे? कब? लेकिन लेकिन मुझे और शौक मत देना। बहुत दुखता है। मैं पागल हो जाऊंगा। अरुण एक्साइट मत हो। मैं भाग जाऊंगा। ये दीवारें तोड़ के भाग जाऊंगा। अरुण, तुम यहां से चले जाना चाहते हो ना? हम तुम्हारा सपना पूरा कर देंगे। अरे सपना कहा तुमने? मैं मार दूंगा उसे। उसी ने तुम्हें यहां भेजा है, ये उसी की चाल है। अरुण मैं भाग जाऊंगा। मैं दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती। छोड़ दो मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मार दूंगा सपना को। मैंने तो सिर्फ सपना कहा था। सपना ही तो वो लड़की है जिसके कारण ये पागल हुआ और हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया। अच्छा। अब वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। Oh,
के लिए जिसके लिए मरता था जीता था जिसके लिए एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था आँखों से मेरी सपना बस तेरी हालत मुझसे और नहीं देखी जाती। मुझे मत रोकिए मामा जी। कैसे न रोकूं? तेरी मां को मरते वक्त मैंने वचन दिया था कि मैं तेरी देखभाल करूंगा और जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी बेटी उस दिन ये सारी जायदाद तुझे सौंप कर मैं गंगा नहाने चला जाऊंगा। पर बेटी तेरे प्यार में कभी कमी ना आए इसी वजह से मैंने भी शादी नहीं की। और मैंने शादी की पर बच्चा पैदा नहीं किया, बांझ बना रहा। बांझ बने रहे? बांझ तो मैं बनी रही बेटी ताकि तेरा प्यार कोई बांट ना सके। मैं जानती हूँ मामी जी, छोटे मामा आप सबने बहुत किया है मेरे लिए मगर अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। बेटी बेटी उसे भूल जा, हम कोई अच्छा सा छोरा देख के तेरे हाथ पीले कर देते हैं। मुझसे शादी की बात कभी मत कीजिएगा, मैं शादी कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। हे भगवान, क्या ये कभी शादी नहीं करेगी? क्या हमें हमेशा इस जायदाद को संभालना पड़ेगा? ए नौटंकी वाली, जरा एक्टिंग कम क्या कर, कहीं उसे हमारी असलियत ना पता चल जाए। माल लाया हूँ सेठ जी, चरस और अफीम ट्रकों में। सैंपल निकाल के टेकरी भी ले आ, मामा ठाकुर देखना चाहेंगे। आजा। ठीक है। हम्म,
ये चरस को अलग अलग हिस्सों में बांटकर हिंदुस्तान के चार महानगरों में भिजवा दो। बिलावल, बंदूकों और बमों का क्या हुआ? सर, आजकल बॉर्डर पर बीएसएफ का सख्त पहरा चल रहा है। शहर में बमों की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। किसी भी तरह हमारे एजेंट को बॉर्डर पार करवा दो। मामा ठाकुर, हमें अपने गोदामों पे पहरा बढ़ाना होगा। एक इंस्पेक्टर है विक्रम सिंह, उसे अपना डंडा चलाने का बड़ा शौक है। कौन है इंस्पेक्टर विक्रम और क्यों हमारे पीछे पड़ा है? इसके बारे में दिल्ली बात कीजिए। वैसे भी हमें वहां से अपने नए पेट्रोल पंप डिपार्टमेंटल स्टोर के उद्घाटन के लिए मनुष्य को तो बुलाना ही है। वो सब तो हो जाएगा। सबसे पहले सपना की शादी करानी होगी। उसकी शादी होते ही वसीयत के मुताबिक 200 करोड़ की जायदाद उसके हाथ आएगी, यानी हमारे हाथ आएगी, यानी हमारा ये धंधा 200 गुना बढ़ जाएगा, यानी हम इस धंधे के बेताज बादशाह बन जाएंगे। डॉक्टर, जरूर कोई साजिश की गई है। अरुण खूनी नहीं हो सकता। ये आप कैसे कह सकते हैं? दिन रात हमारा खूनियों से पाला पड़ता डॉक्टर, और अरुण को देखकर लगता है कि वो किसी हीर से बिछड़ा हुआ रांझा और किसी लैला का सताया हुआ मजनू है। और ना ही रांझा खून कर सकता है, ना ही मजनू। डॉक्टर साहब, अरुण फिर भड़क उठा है, बेकाबू हो गया है। अच्छा, एक्सक्यूज मी। मुझे जाने दो, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। पर डॉक्टर ने हमारे पास कोई संदेशा नहीं रखा, हम कैसे छोड़ दें आपको? चलो जाओ यहाँ से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे हम बोला ना, हम नहीं तुमको छोड़ेगा। आप मेरी बात तो सुनिए, मुझे जाने दो। क्या बात है सर? ये मुझे अरुण से मिलना है, ये मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आप उसकी माँ हैं? क्या मेरी शक्ल से नहीं लगता कि मैं उस बदनसीब की माँ हूँ? आइए माँ जी। मगर साहब वो आइए। अरुण, अरुण उठो बेटे, उठो अरुण, अरुण उठो, अरुण उठो। हमारे साथ जो जुर्म हुआ है उसका तुझे बदला लेना है अरुण, उठो। अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेना है तुझे अरुण। अरुण उठो, अरुण उठो बेटे, अरुण उठो। किसने आने दिया इन्हें यहाँ पे? ले जाओ इन्हें। उठो अरुण। चलिए माजी, अरुण चलिए माजी, छोड़ो मुझे, रहने दो यहाँ। अरुण तो खूनी नहीं है, तू निर्दोष है बेटे, तुझे मामा ठाकुर से बदला लेना है। छोड़ दो ने। अरुण छोड़ दो माजी। अरुण माजी प्लीज चलिए। तुझे मामा ठाकुर से बदला लेना है। रिश्ता अरुण का मामा ठाकुर से? ऐसा क्या हुआ जो वो पागलखाने पहुंच गया? मैं अरुण के बारे में सब जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो तुम? क्या लगते हो तुम अरुण के? न जाने कब उसने इस दिल को छू लिया और अपना सा लगने लगा। ऐसा ही था वो, जहां जाता था दोस्त बनाता था, हंसता था, गाता था। न जाने क्या पा लिया था उसने इस दुनिया में आके, कि हर वक्त इतना खुश रहता था। Thank you.
मुझे बात नहीं करनी है तुझसे। क्यों? क्यों क्या, ये कोई वक्त है आने का? खाना ठंडा हो गया, रोटियां ठंडी हो गई। अरे वो दोस्तों से गपशप मारते हुए थोड़ी देर हो गई। जा जा, पूरे शहर में घूम रहा होगा अपनी उस मुई मोटरसाइकिल के साथ। माँ तू तो मेरी मोटरसाइकिल से ऐसे जलती है जैसे वो तेरी बहू हो। क्या कहा तूने? मान जाना माँ। नहीं मानती। प्लीज माँ छोड़ दे मुझे। देख अगर तू रूठी तो मेरी भूख गई। जा जा छोड़ दे मुझे। मान जाना। क्या हुआ माँ? चल, जैसे बहुत ख्याल करता है मेरा। माँ तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। अरुण चल, वो शीला आई थी। कौन शीला? अरे वही तुम्हारे कॉलेज वाली, उसका जन्मदिन है ना, उसके घर पे पार्टी है। मैं नहीं जाऊंगा। क्या? नहीं माँ, तुझको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। नाटक मत कर। बोला ना माँ, तुझको छोड़ के नहीं जाऊंगा। थैंक यू। ओ अरुण क्या कर रहे हो? मेरी इस पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम कोई शेर नहीं सुनाओगे? कौन अरुण? प्लीज। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। क्या कह रहे हो? ये तो कभी कभी फिल्म का है। अरुण ऐसे नहीं चलेगा, कोई अपना शेर सुनाओ। अपना? कोई अपना? फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या। अरे मुझे? क्या यार, क्यों आज की शाम को यूं ही लपेटे जा रहा है? ओफ अरुण, कोई अपना शेर सुनाओ ना, अपना। क्या करूं यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा। ऐसा नहीं चलेगा। अरे ये क्या हुआ? अरे बत्ती को भी इसी वक्त जाना था क्या? लो पापे, ये तो शमाई बुझ गई। अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है। कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? अरे कोई जाओ यार चेक करो। अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है क्या? हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने। हाय सपना, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। फ्रेंड्स मीट माय न्यू फ्रेंड सपना। हाय। ये हमारे कॉलेज में नई नई आई है। कम सपना, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माय अदर फ्रेंड्स। अरुण कोई शेर बनाया नहीं? बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार।
झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। खुशबू बरसे परियों सी सुंदर काया, जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया। तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं सौ बार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। छोटा मुंह बड़ी बात भाई साहब, सपना अब बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, कॉलेज में दाखला हो गया है। हाँ, वो शादी के लायक होती जा रही है, इसलिए हमें उसकी शादी ऐसे लड़के के साथ करवानी चाहिए जो हमारे कब्जे में हो। हाँ जी, लड़का कब्जे में तो जायदाद हमारे कब्जे में। इसलिए हमने एक ऐसा लड़का बुलवाया है जो हमारे कब्जे में है, आप उससे मिले। कौन है वो? बेटा बिहारी। पाए लागू मामा ठाकुर। ठीक है ठीक है, बड़ा नेक लड़का है, वही करेगा जो हम कहेंगे। तब तो इसकी जोड़ी मारी सपना के साथ खूब जमेगी। ये पान खाना बंद करो। क्या बंद बंद कर दूंगा। पहले हम कह रहे थे कि सपना के साथ हमको एक गाना गाने दीजिए ना। क्या गाना है? नहीं, हमारा मतलब है शंकर बिहारी का सपना के साथ में शादी करवा दीजिए। ठीक है ठीक है। बेटा अब तू सपना के दिल में घर कर ले। हाँ, ताकि वो किसी दूसरे की तरफ देखे तक नहीं। किसको अपनी आंखें गंवानी है जो हमारी बेटी की तरफ देखेगा। तुझे तो प्यार हो गया पापे फुर्सत से। तुम सबको पता चल गया? नहीं, हम सब तो अंधे हैं। तो कुछ करो यारो। हमने तो कलियों से भाभी मान लिया था। हाँ। और क्या करें? और अगर उसको तुझसे प्यार ना हुआ तो? अरुण, ये तो मजाक कर रहा था यार।
मैं भी तो मजाक कर रहा था, लेकिन मेरा प्यार मजाक नहीं। सपना, हम कह रहे थे शंकर बिहारी का तुम्हारे साथ पिछले जन्म का कोई रिश्ता नहीं है, मगर इस जन्म में शंकर बिहारी ने तेरे साथ गाना गाना है, रोमांटिक डुएट। चलना शंकर बिहारी के साथ बगीचे में गाना गाना, चलना। चोटी के नीचे क्या है, चोटी के अंदर क्या है, उठा के चलू अंदर क्या बचा के चलू राम जी। चोली कौन खलना है क्या? तू भी तो ऊ के साथ में गाना गाना चाहे? अरे का ससुर, ऊ तो हर प्राइवेट प्रॉपर्टी है का? आई लव हर, आई लव हर, आई लव सपना, आई लव सपना, आई लव हर, आई लव हर, आई लव हर, आई लव सपना। बुड़बक, शंकर बिहारी को सपना के साथ गाना गाना ही है। I love सपना, 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 सपना। I love her, love her, love her। हमरा बात तो सुन, तू सुन। आई लव हर, आई लव हर, आई लव हर, आई लव हर। सपना, तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है? लेकिन सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। How dare you? क्या तुम नहीं करती? बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूं। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं शाम को टेबल लैंड पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी। मैं सातों जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा वहां। मैं जानता था तुम आओगी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो आज इसका फैसला हो ही जाए। मैं यहां से बाइक लेके निकलूंगा और पीछे खाइए। प्यार हो तो रोक लेना, वरना तुम मजाक कर रहे हो। ना कभी किया था, ना कर रहा हूं। पर मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तो आराम से बैठकर मेरी मौत का तमाशा देखो। ठीक है, जो करना है करो। मैं जा रहा हूं। I hate you for this। मैं करके दिखा दूंगा। करो, मुझे क्या है। गुड बाय सपना। अरुण, अरुण रुक जाओ। नहीं, मर के दिखा दूंगा। नहीं अरुण।
सपना, आई लव यू। करता रहूंगा प्यार।
कंगले की औलाद, ये चित्रार हमको क्यों दिखा रहा है? भाई साहब जरा गौर से तो देखिए। सपना, इस लड़के ने सपना को अपने इष्ट में बांस लिया सरकार। नहीं जानता कि किस चक्रव्यूह में घुस रहा, उसका तो मैं ऐसा हशर करूंगा कि सुनने वालों की रूह कांप उठेगी। ज्योति, हम कह रहे थे शंकर बिहारी को गाना गाना है सपना के साथ, और तुम्हें गाना गाना है अरुण के साथ। तो चढ़ जा। अरे, ये क्या कर रही हो? क्यों देखना छोड़ दिया मेरी तरफ? पहले कब देखता था? क्या कमी है मुझ में, मेरे शरीर में? भारी हो तुम, मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? दबके थोड़ी मरना चाहता हूँ। मुझे करीब से देखो ना प्लीज। सपना, प्लीज, प्लीज। आई सपना, कब आई? अरुण, वो रिहर्सल? अरुण, नहीं अरुण। नाटक, नाटक नहीं, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। सुनो तो सही, अरुण, अरुण! सपना! सपना, सपना मेरी बात तो सुनो। सपना रुक जाओ, सपना, सपना मेरी बात तो, सपना मेरी बात तो सुनो। कहाँ वो, कहाँ तुम? तुम्हें तो ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया है। अब मैं तुम्हें फुर्सत से गिराऊंगी। अरे अरे, इतना हंसी चेहरा और इतना तेज दिमाग। अरे अरे, गाड़ी रोक के नफरत दिखाओ ना, वरना मैं नफरत देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचूंगा। मेरी जीवन की ज्योति हमेशा के लिए बुझ जाएगी। तुमने क्यों उस ज्योति का नाम लिया? बाबा मुझसे भूल हो गई। अरे मेरी माँ, रोक ले, रोक ले, मुझे चक्कर आ रहा है। गाड़ी गोल गोल क्यों घुमा रही है? इरादा क्या तेरा? मैं ज्योति के साथ टेबल टेनिस खेलने गया क्यों था? सपना, सपना मेरी पकड़ छूट रही है। सपना मैं क्या? नहीं नहीं, बहुत प्यार करती है मुझसे। कल मेरी बीवी ने मुझे चौथे माले से धक्का दे दिया। कहने लगी मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। रामदीप, रामदीप जी। मालकिन, खबरदार जो किसी को भी अंदर आने दिया। जी ठीक है। और हाँ, अगर कोई आए तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। जी। अगर तब भी ना माने तो धक्के मार के बाहर निकाल देना। जी ठीक है। अगर इसे बंद कर दूंगा तो तुम तक मेरे प्यार का जुनून कैसे पहुंचेगा? बेवफा धोखेबाज, जाओ वापस वो तुम्हारी ज्योति के पास। आखिर मैं तुम्हारी लगती ही क्या हूं? Oh,
मरता हूँ, जीता हूँ जिसके लिए, जिसके लिए मरता हूँ। बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, जीता हूँ जिसके लिए, जिसके लिए मरता हूँ, बस तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता भी। मेरे प्यार पर शक मत करना। फिर तुमने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन शक नहीं। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल। मामा ठाकुर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मामा जी, आपका ये डंडा झंडा लहराने के काम आएगा, इसे किसी जलसे के लिए संभाल के रखिए। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं। मामा जी, मामा जी हमको छोड़ दीजिए। चुप करो, साले को काट कर फेंक दो। मामा ठाकुर की इज्जत पे हाथ डाला है, जाओ। चल। मामा जी। Thank you.
गुंडा है क्या तू? क्या कर रहे हो? नहीं करता है। उसे। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, अपनी इस वर्दी की इज्जत तो रखो, पहले जान तो लो यहाँ हुआ क्या है। इसी वक्त तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, समझे? क्यों? इसने सपना से प्यार किया है इसलिए? अपनी औकात मत भूल बे बुढ़िया। मुंशी था तेरा पति हमारी हवेली में, अगर इस रिश्ते को तुम दोनों ने आगे बढ़ाया तो सैलाब आ जाएगा तुम्हारी जिंदगियों में, याद रखना। अरुण, छोड़ दे माँ। नहीं अरुण, मैं उनके डर से भागूंगा नहीं, मैं उनकी हवेली को आग लगा दूंगा। ये क्या कह रहे तू? छोड़ दे, छोड़ दे अरुण। माँ, छोड़ दे अरुण, पागलपन मत कर। ये क्या कर रही हो माँ? सपना का सोचा है तूने, उसके प्यार का? लेकिन उसके मामा ने, अमीर तो दुनिया में नफरत ही फैलाता है पर गरीब प्यार लाता है। तू मेरा बेटा है, उनके वार का जवाब प्यार से दे। अरुण जानता है आज मेरा जन्मदिन है, वो जरूर आएगा। वो ये शहर छोड़कर चला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर आएगा। तुम अगर उसे चाहती हो तो दुआ करो कि यहां ना आए, और अगर बेवकूफी से यहां आ भी गया तो उसकी तरफ देखना तक नहीं, वरना हम उसे कर ले यकीन, आपस जाने बहार। ओ वादे वफा पे तू कर ले यकीन, आपस जाने बहार। सच्ची मोहब्बत उसी को कहे, माने कभी जो नहा।
ऐसा कहा। मामा ठाकुर, ये ज्योति, इसे भी शंकर बिहारी की तरह गाना गाने की आदत है अरुण के साथ। तुम्हें अरुण चाहिए जी, लेकिन वो तो सपना से प्यार करता है। टूट जाएगा वो प्यार, बस हम तुम्हारे कुछ अश्लील तस्वीरें खींचेंगे। जी कहाँ? उसके घर में। लेकिन वहां तो उसकी माँ होगी। सुना है वो हमारे डर से भाग गई है तीर्थ यात्रा पर। मैं भी अरुण को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरुण, आप अच्छी लग रही हो। तुम हमें जिंदा से ज्यादा मुर्दा काम आओगी। अब पैदा होगी सपना के दिल में अरुण के लिए नफरत। तेरे दिल का हाल जानती हूँ बेटी, लेकिन मामी। देखा ना बेटी, मैं क्यों उसके खिलाफ था, अब तो वो खूनी भी निकला। नहीं मामा जी, कोई अरुण को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है वो? कौन? तस्वीरें अच्छी है ना सरकार, इसलिए सोचा आपको दिखा दूं। क्या चाहते हो? अमीर बनना चाहता हूं सरकार, आपकी तरह। रख लीजिए, नेगेटिव मेरे पास है।
फोटोग्राफ्स किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। ठीक है, लेकिन अरुण को इस केस में फांसी के फंदे पर चढ़ाना तुम्हारा काम है, इससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। भाई साहब, कुछ ऐसा कीजिए कि अरुण अदालत में खुद ही कबूल कर ले कि ज्योति का खून उसने किया है। अगर ऐसा हुआ तो अरुण के गले में फांसी का फंदा होगा और सपना के दिल में उसके लिए नफरत। ज्योति का खून किया है तूने, ये तुझे कबूल करना पड़ेगा। नहीं सपना बेटी, मामी जी मुझे अरुण से मिलना है। उसे कोई नहीं मिल सकता बेटी, ना जाने कौन सी जेल में ले गए उसे पुलिस वाले। मामी जी उसे मारेंगे तो नहीं ना, उसे कुछ करेंगे तो नहीं ना मामी जी। बोल, ज्योति के साथ शारीरिक संबंध थे? बोल, ज्योति का खून किया है तूने? बोल, ज्योति का खून किया है? तूने नहीं किया है? हाँ बोल, बोल, बोल। बोल हाँ, बोल हाँ। नहीं, क्या बात है इंस्पेक्टर, तू थक गया या तेरा डंडा थक गया? साहब, साहब पानी। वो देख, किसी ने तेरा घर जला दिया। अब भी तूने अगर खून नहीं कबूल किया ना, तेरे साथ जुड़ी हर चीज जला दी जाएगी। अरुण, वो मुझे खून के जुर्म में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे पागल कर देना चाहते हैं, लेकिन लेकिन जब तक सपना का प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। अरुण, बोल, छोड़ दे मेरी मां को, छोड़ दे। इंस्पेक्टर, छोड़ दे मेरी माँ को, मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरी माँ को, प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। बिजली, बोल, बोल, बोलूँगा, सब बोलूँगा, छोड़ दो मेरी माँ को, प्लीज प्लीज छोड़ दो मेरी बात को। अच्छा लड़का है,
योर ऑनर, शायद अरुण सक्सेना अदालत से कुछ कहना चाहता है। प्रोसीड। योर ऑनर, मेरे ज्योति के साथ शारीरिक संबंध थे। मैंने ही ज्योति का खून किया है। बेटी नारो, मेरी मां तो तुझसे नहीं तेरी जायदाद से प्यार करता था। हाँ, भूल जाओ नहीं मामी जी, जो कुछ उसने मेरे साथ किया है मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। मैं उसे एक बार जरूर मिलूंगी। सपना, सपना मैं जानता था तुम जरूर आओगी। तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास होगा। तुम्हारे मामा ने मेरी मां को बंदी बना लिया था। अगर मैं जुर्म कबूल ना करता तो वो उसे मार डालते। तुम्हारे मामा और कितने झूठ बोलोगे अरुण। सपना, सातों जन्मों की कसमें खाने वाला इतना बेवफा निकलेगा ये मैं नहीं जानती थी। नहीं नहीं सपना, ऐसा मत कहो, मेरा विश्वास करो। तुम्हारी जायदाद की खातिर तुम्हारे मामा, तुम खूनी हो। तुम्हारे और ज्योति के नाजायज संबंध थे। तुमने ज्योति का ही नहीं बल्कि मेरे प्यार और मेरे विश्वास का भी खून किया है। नहीं सपना, नहीं। इस अंधी तूफानी रात में बस एक तुम्हारा ही तो सहारा है। अगर तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं डूब जाऊंगा। मेरा विश्वास मत छुओ मुझे। इन्हीं हाथों से तुमने ज्योति का भी खून किया है। तुम्हें तो फांसी हो जानी चाहिए। फांसी से भी बढ़कर कोई सजा हो तो वो मिलनी चाहिए। समझ गया, सब समझ गया। तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई हो। अदालत अपना फैसला सुनाती है। तुम्हें तो फांसी मिलनी चाहिए, फांसी। तुम्हें फांसी से भी बढ़कर सजा वो मिलनी चाहिए। तुम्हें तो फांसी हो जानी चाहिए। फांसी से भी बढ़कर सजा वो मिलनी चाहिए। तुमने ज्योति का मेरे प्यार विश्वास का खून किया है। तुमने ज्योति का नहीं, तुम्हें ज्योति का खून किया, अरुण भी खून किया है। अरुण सक्सेना को सजाए मौत दी जाती है। टू बी हैंग अंटिल डेथ। तुम मुझे फांसी देना चाहते हो ना, तो चढ़ा दो मुझे फांसी पर, चढ़ा दो मुझे फांसी पर। मैं मरना चाहता हूं, मरना चाहता हूं मैं। चढ़ा दो मुझे फांसी पर, चढ़ा दो फांसी पर, चढ़ा दो मुझे। लेकिन मैं मरूंगा नहीं, भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा मैं।
इस तरह मेरा अरुण पागल हो गया। सपना ही उसकी ताकत थी। जब उसने उसका साथ छोड़ दिया तो अरुण ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। अदालत ने उसकी दिमागी हालत देखकर फांसी मुलतवी कर दी और उसे पागलखाने भिजवा दिया। मैं अरुण को इंसाफ दिलाऊंगा माँ। अब वो उस लड़ाई में अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूं। और माँ तू फिक्र न कर, अब तेरा एक नहीं आज से दो बेटे हैं। पता था तू आएगा, तू जरूर आएगा। बस तेरा आशीर्वाद चाहिए माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार इस सर पे हाथ रख दे माँ। जीते रहो बेटे। गुड इवनिंग सर। विक्रम सर, मैंने अरुण का केस पूरी तरह से स्टडी कर लिया है और आज मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो खूनी नहीं है। उसने ज्योति का खून नहीं किया। What? तो किसने किया? क्या आप सच मुझे आना चाहेंगे सर? Of course, tell me. ये खून मामा ठाकुर ने किया है सर। क्या? अरुण को ज्योति के केस में फंसाया गया सर। अरुण और उसकी माँ का टॉर्चर किया गया हमारे अपने पुलिस लॉकअप में। विक्रम ये तुम क्या कह रहे हो? सर क्या आप नहीं जानते कि मामा ठाकुर के खिलाफ अनगिनत कंप्लेंट्स हैं? हाँ मैं जानता हूँ, मगर वो झूठी हैं या सच ये तो साबित नहीं हुआ। और फिर कंप्लेंट्स हर बड़े आदमी के खिलाफ तो होती ही हैं, इंडस्ट्रियस हुए, मिनिस्टर्स हुए, वगैरह वगैरह। बट सर मामा, द पॉइंट इज कि मामा ठाकुर को कभी अरेस्ट नहीं किया गया। देयर इज नो पुलिस रिकॉर्ड ऑफ हिज अरेस्ट। सर आप मुझे मामा ठाकुर के सारे केसेस दे दीजिए, मैं ज्योति मर्डर केस की फाइल फिर से खोलना चाहता हूँ। मगर क्यों विक्रम? क्योंकि मैंने माँ से वादा किया है सर, क्योंकि उस पागलखाने में एक बेगुनाह का दम घुट रहा है और वो अरुण है। आज मैं समझता हूँ सर कि इसके दिल में इंकलाब क्यों है, क्यों वो पुलिस वालों से नफरत करता है, क्यों हर रोज वो भागने की नई नई तरकीबें सोचता रहता है। अगर तुम ऐसा महसूस करते हो और इतना महसूस करते हो तो विक्रम मैं तुम्हें ज्योति मर्डर केस की फाइल को फिर से खोलने की इजाजत दे देता हूँ। थैंक यू सर। मामा ठाकुर आपका हमराज, सोचा आज 10 तारीख है तो जाके आपसे तनख्वाह ले आऊं। कितने चाहिए? सिर्फ 1,00,000। आपके लिए तो मामूली रकम है मामा ठाकुर। क्या कि मैं नहीं चाहता कि मैं सपना बेटी को ये तस्वीरें दिखा दूं, काम का आपका वो राज। 200 करोड़ का सपना भी तो भंग हो जाएगा आपका मामा ठाकुर। राम सादे तू हमको बेनकाब करेगा? भाई साहब कहां को गए? मैं तुम्हें पैसे दे देकर थक गया हूं नटवर। मुझे अब एक बार का आखिरी सौदा करना है। सारी तस्वीरें और नेगेटिव्स मुझे एक साथ चाहिए। सारी तस्वीरें और नेगेटिव आपको एक साथ मिल जाएंगे मामा ठाकुर। आप मुझे बस 10,00,000 रुपया दे दीजिए। ठीक है।
ठीक है, समय और ठिकाना हम तुम्हें बता देंगे। बिलावल, मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसका हमारे धंधे के साथ कोई ताल्लुक ना हो। तस्वीरों के साथ साथ मुझे नटवर का सर भी चाहिए। ये अंगूर है, इसको सड़ाने से शराब बनती है। ये तू उसको सड़ा दो। अरे मैं शराब पीऊंगा। तू फेल हो गया। ये शबाब है। कॉम LLB CAIIB पार्ट वन। पार्ट टू मुझे नौकरी मिलेगी। पार्ट टू पार्ट वन सब इनकलाब। क्रांति होगी, क्रांति। दुनिया बदलेगी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको सबको सबको। बॉम्ब, टाइम बॉम्ब है इस बस में। हेलो, टाइम बॉम्ब है इस बस में। अबे क्या है, क्यों रो रहा है तू? टाइम बॉम्ब है इस बस में, हम सब मर जाएंगे। मिश्रा देखो यार, कोई मर मरा ना जाए। मिश्रा जी गाड़ी रोके कहा? अरे रोके रोके यार। क्या हुआ? अकेला पिएगा? हाँ। क्या पिएगा? अपने घर पर पिऊंगा। किधर है तेरा घर? मेरा घर वो वहाँ का रोज गली के पीछे आ? और वहाँ पे फ्लैट है। मुसम्मी, अरे यही तो है मुसम्मी। कहाँ गया? हट गया, दिखे नहीं रहा है। अरे बुला, उधर ये आपकी गलती है, आपने छूट कर भाग गया वो। अरे आप तो थे आगे। अरे आप थे आगे आगे। अरे मिलेगा नहीं ना तो हॉस्पिटल वाले हमारी हालत। मैं पागलखाने का डॉक्टर हूँ, पागलखाने का। एक नौकरी मिलेगी, एक नौकरी छोटी सी। सबको नौकरी मिलेगी। इनकलाब। ये तस्वीरें ले लो, मुझे माफ कर दो।
हाल तो बात नहीं। तेरा टाइम अप हो गया है। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। गुड गुड गुड। सुनो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। समझ में नहीं आता, कौन मार सकता है उन्हें? देखो सुनो, रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके ओके सर। अच्छी खासी नौकरी थी उनकी। एक दिन कहने लगे कि बहुत बड़ी रकम लेके आएंगे, बाबा ठाकुर के पास काम करते थे ना। उसके बाद वो गायब हो गए। मैं बाबा ठाकुर के पास गई, उन्होंने कहा कि वो दौरे पर गए हैं। और आज हमें कमिश्नर साहब ने बुलाया है। मैंने बुलवाया है। मैं हूं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। आपके एक मुलाजिम नटवर का खून हुआ। हमें नहीं मालूम वो कौन है। चौंकने की कोई जरूरत नहीं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कल दोपहर आप कहां थे? हमारे पास सबूत है, कलेक्टर साहब के पास थे। चाहो तो पता करवा लो। तो खून आपने किया नहीं, करवाया है। हवेली पे आ जाना। ए, क्या है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। ए, क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हवेली पे क्या बोला? हवेली पे आ जाना। क्या कर लेगा हवेली पर? हवेली पे आ जा। कहा ना हवेली पे। क्या कर लेगा हवेली पर? तू मुझे घुस खिलाएगा हवेली पे? अरे तेरे बड़े बड़े अफसर आते हैं हवेली पे, तू भी आ जाना। अरे मैं थूकता हूँ ऐसे अफसरों पर, थूकता हूँ। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं। हवेली पे आ जाना। क्या कहा रामदादे? बोल फिर से, बोल क्या कहा तूने? मेरे किरण पे हाथ डाला। फिर बता, कमिश्नर को गाली देता? कमिश्नर साहब को गाली देता? कमिश्नर विक्रम, अरे क्या कर रहे हैं ये? बोल गाली दे विक्रम, गाली छोड़ दो ये गाली। अब चार साल एक चोर के बड़वे। अरे विक्रम, कल यहाँ पे हजारों लोग होंगे, पूरी पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा। क्या हाहाकार? तेरे बाप का राज है क्या? क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है। क्या बात कर रहे सर? ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। चलिए अभी दिल्ली। मामा ठाकुर मेरी बात सुनिए, ये नया है जोशीला है, इसे माफ कर दीजिए। इसने सबके सामने मेरी गिरेबा पे हाथ डाला है, सबके सामने ये माफी मांगेगा। मैं तुम्हें हाहाकार मचा के रख दूंगा, तख्ता पलट के रख दूंगा मैं। माफी मांग विक्रम। ये आप क्या कह रहे सर? विक्रम मैं सीनियर की हैसियत से कह रहा हूँ, इनसे माफी मांग लो। ये मुझे, मैं सर इस शहर का सबसे बड़ा मुझे। बस मामा ठाकुर,
जब तक कोई जुर्म साबित नहीं होता तुम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। तुम खुद इस बात का फैसला नहीं कर सकते। माफी मांग लो। मैं माफी क्यों मांगू सर? क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है। मुझे मजबूरन तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त सस्पेंड कर दो। माय बॉय, वर्दी गई तो क्या कर लोगे इसके खिलाफ? माय डियर बॉय, मांग दो ना माफी। सॉरी, मैं सुना नहीं क्या? I'm sorry. जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ। जोर से बोल। I'm sorry. जोर से बोल, कम सुनता हूँ। जोर से बोल। ए, इन्होंने कहा एक बार फिर माफी मांगो। हम कम सुनते हैं। इससे शायद आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे। कमिश्नर साहब, मुझे शख्स का ट्रांसफर चाहिए। तीन दफा उसने आपसे माफी मांगी, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की आप तौहीन इस तरह से करते जाएंगे तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ही। उसने मुझे थप्पड़ मारा, यह बात दिल्ली तक जाएगी। चलो। खून, खून। वो लोग जिन्होंने अरुण पे हमला किया और क्यों? ये तो हम नहीं जानते, पर कल से वो कुछ खून खून कह रहा था। खून खून? कल हमारे बॉर्डर्स की गलती से वो वल्लभ भाई चौक पे वैन से भाग गया था। वल्लभ भाई चौक पे? क्या ये हो सकता है कि अरुण ने किसी का खून होते देखा हो? कौन जाने, पर हाँ, इस हमले से पहले उसने अपने सेल की दीवार पे एक तस्वीर बना रखी थी। तस्वीर? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? उन लोगों को अंदर आने दिया? जुल्म किया ना रुपए? बताओ कौन थे वो लोग? बताओ। यहाँ
के वार्डन्स पे हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर मेरा बस चलता तो मैं दोनों को जान से मार देता। What? सर उन्होंने अरुण को जान से मारने की कोशिश की। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ। हमको पैसे दिए गए थे। किसने दिए थे पैसे? हमने कभी उन्हें देखा ही नहीं सरकार। Get out! और फिर कभी अपनी सूरत नहीं दिखाना यहाँ। अब सर अरुण का यह रहना खतरे से खाली नहीं। कहना क्या चाहते हो तुम? सर उसने नेटवर्क का खून होते देखा है, वही अकेला उस खून का चश्मदीद गवाह है। उसके वल्लभभाई चौक से भागने और पकड़े जाने के दरमियान ये खून हुआ है, और ये खून मामा ठाकुर ने करवाया है। लेकिन क्यों? हो सकता है नटवर ज्योति के खून के बारे में कुछ जानता था, हो सकता है ज्योति के खून का कोई सबूत आज भी मौजूद है और उसके पानी से अरुण की बेगुनाही साबित हो जाए। सर मैं अरुण को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, वो बेगुनाह होते हुए भी कैद में है और वो गुनेगार बाहर आजाद घूम रहे। मुझे एक मौका दीजिए सर। विक्रम, मुझे अरुण दे दीजिए सर, मैं मामा ठाकुर के खिलाफ सबूत ले आऊंगा। मगर विक्रम जी, सर ये देश सिर्फ दो ही लोगों पर हंसता है, हिजड़ों पर और हम पुलिस वालों पर, क्योंकि ना ही वो कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। कर लो डंडा ऊपर। और कर दो चढ़ाई। मैं तुम्हें अरुण देता हूं, तुम मुझे सबूत दो और मामा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई मैं करूंगा। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। हेलो हेलो, जल्दी बाहर तो शराब के दरिए बहते हैं, कुछ कतरे मेरे लिए भी भेज देना। बाहर जाकर मेरी नौकरी की अर्जी दे देना, ये बीकॉम। I'm sick of you। बस नौकरी नौकरी, तू जा भाग जा, क्या भाग जा, हम भागे भी तो कहां, हमारा तो कोई रहा ही नहीं बाहर। पर तू जा, जा भाग जा, घर जाके इंसाफ के लिए बेनिकाब कर दे शैतानों को, छत में हो जाए थे, छत में हो जाए थे। इनकलाब। ओ, ये है हमारा जवान, वेलकम। वाओ, That's a very good one, son. Come, let's shake hands on this. अरे हाथ मिलाओ जवान, हाथ मिलाओ। There you are. आप क्यों फिक्र करती हैं बहन जी? सब ठीक हो जाएगा। अब आप दोनों यही रहेंगे हमारे साथ। समझे जनाब? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। समझे? इस दरों दीवार को देखकर लगता है यूं कि इस जहां में अपना भी कोई आशियाना हो। अरे वाह, हमारा शेर तो शायरी भी करता है। अरे वाह शाबाश जवान, चलो इसी बात पे तुम्हें आशियाना दिखाते हैं, चलो। अरे चल यार। बड़ा बावला है मेरा बेटा। ऐसा क्यों कहते हो माँ जी, वो तो कितना प्यारा है। लाओ विक्रम, बैग मुझे दे दो। लो। मम्मी हम लेंगे। नहीं चलो मम्मी। ओह नो। जी ये। यही अरुण का प्यार है और यही उसके पागल होने की वजह, सपना। तो ये मामा ठाकुर की। मैं एक फोन करके आता हूं। शुक्रिया, आपने हमें लिफ्ट दी। You're welcome. वैसे मेरा नाम है विक्रम। Hello, I'm प्रिया। Hi. I'm रितु। Hi. I'm दीपाली। Hi. I'm संजना।
हाय। ब्रेक्स फेल। बाय बाय। एक्सक्यूज मी। बाय ब्लडी फूल। एक्सक्यूज मी। विक्रम। हाँ भाभी। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। भाभी वो लड़की मिल गई। कौन? अरे हाँ वो जिसे तुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। बता बता दो कौन है वो, मैं अभी उसके पास शगुन लेके जाती हूँ। ना भाभी ना, ऐसा सोचना भी नहीं। पर क्यों? लेकिन ये तो। हाँ भाभी, अरुण का प्यार है, प्यार तो उसने किया, हमने तो बस दिल लगी की। विक्रम। अच्छा ही हुआ भाभी, अब जिंदगी में और कोई मकसद ना रहा, सिर्फ एक मकसद के सिवा, अरुण को इंसाफ दिलाना। आप? अरुण का दोस्त। अरुण पागलखाने से बाहर आ गया। क्या वो ठीक हो गया है? बड़ा ख्याल है उसका। क्या जानते हैं आप मेरे और अरुण के बारे में? हाँ यही कि आपने उसे पागल कर दिया। झूठ, बेवफाई उसने की थी। और आपके मामाओं ने? जानना चाहोगी कि आपके मामाओं ने अरुण के साथ क्या किया? क्या हक है आपको मेरे मामाओं पर इल्जाम लगाने का? इल्जाम लगाने का ही नहीं, गिरफ्तार करने का हक भी है मुझे। क्या जुर्म किया मेरे मामाओं ने? हाँ उनका जुर्म क्या जानना चाहेगी आप? चलिए मेरे साथ आइए। ये सारी फाइल झूठ बोलती है, ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। मैं नहीं जाती, ये सब क्या है? ये कंप्लेंट है मामा ठाकुर के खिलाफ, स्मगलिंग की, काले धंधे की, चोरी की, खून की। ये वो केसेस है जो शुरू तो हुए मगर खत्म नहीं हुए, क्योंकि आपके मामा ठाकुर ने या तो उन लोगों को अगवा करवा दिया या मार दिया, या तो फिर वो लोग मामा ठाकुर के डर से शहर छोड़ के भाग गए। बहुत ऊंची और पक्की आपके महल की दीवारें सपना जी, जहां सच की आवाज आप तक नहीं पहुंचती। और जानना चाहेंगे आपके अरुण पर, आपके चाहते अरुण पर क्या क्या जुल्म हुए? नहीं। आपको सुनना होगा, सुनना होगा आपको। राम सिंह बताओ इन्हें अरुण पर क्या क्या जुल्म हुए? बहुत मारा था हमारे साहब ने अरुण को डंडों से, फिर उनकी मां को पकड़ लिया गया, बाल खींचे उनके आपके मामाओं ने, बहुत जलील किया उनकी मां को। नहीं। तब जाकर अरुण ने माना कि कोर्ट में जाकर खून का इल्जाम वो कबूल कर लेगा।
अरे वो किया उन्होंने अरुण के साथ कि इंसान तो इंसान जानवर भी टूट जाता पागल हो जाता। नहीं चुप हो जाइए। अब आप ही बताइए कौन है दोषी कौन है बेवफा वो या आप? नहीं 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 एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना कर दूंगी तुझे पागल चाहूंगी शर्म ये मैंने क्या कर दिया मुझे माफ कर दो अरुण मुझे माफ कर दो मैं उसे एक बार मिलना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है प्लीज। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो आपको देखकर आप से बाहर हो सकता है। वो मुझे देख नहीं पाएगा। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हमारी हजारीबाग वाली कोठी खाली है, आप उसे वहां ले आइए। कोशिश करूंगा। आपने भी जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया होगा? आपको उसकी कसम। आप और उनको ले आइए प्लीज प्लीज। ए भाई देख ए भाई देख 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 दोस्त है अरुण। दोस्त? हाँ लेकिन इसकी आवाज मुझे लगा कि ये सपना है। नहीं मेरे दोस्त, तुम सपना को बहुत चाहते हो ना, इसलिए तुम्हें हर किसी की आवाज सपना जैसी लगती है। सपना? ये सपना कौन थी? मेरी 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 अपनी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।
के लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मुझे कुछ याद दिलाती है, कहो ना। जा से भी ज्यादा
इंस्पेक्टर विक्रम आया है। ए, इसको अंदर किसने आने दिया? दरवान, दरवान, दरवान। लगता है आपकी तरह आपका दरबान भी कम सुनता है। अरे कोई है क्या? मैं बाहर धमकी देकर आया हूं कि जो आदमी पहले अंदर आएगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। यहां पे क्यों आया है? आपसे ये पूछने कि आपने नटवर का खून क्यों करवाया? वही वो ज्योति के खून के बारे में कुछ जानता तो नहीं था? या फिर आपके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं था उसके पास? मैं जानता हूं ये दो खून एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जिस दिन नटवर का खूनी पकड़ा गया उस दिन ज्योति का असली खूनी भी मेरे सामने आ जाएगा। और हां, नटवर के खून का एक गवाह है मेरे पास, अरुण सक्सेना। उसने वो खून होते हुए देखा है। क्यों मामा ठाकुर, गले में रस्सी अभी से महसूस होने लगी? हम हिंदुस्तानी पुलिस वाले जहन्नुम तक उस शख्स का पीछा नहीं छोड़ते जो इस वर्दी की बेइज्जती करता है, समझे? याद रखना। अरुण सक्सेना नटवर के खून का गवाह है। उसने देखा ये खून होते हुए। कैसे देखा उसने ये खून? और उसी ने क्यों देखा ये खून? हे भगवान, कैसा है तेरा इंसाफ? और तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो अरुण है? हमें क्या मालूम था कि आपकी उससे पुरानी दुश्मनी है। पर पागल की क्या गवाही मामा, क्या कर लेगा वो? रावण ने हनुमान को बंदर समझ के छोड़ दिया था और उसने लंका में आग लगा दी थी। वो किस दिन तुम तीनों को पहचान लेगा और हमारी जिंदगी में आग लगा देगा। कौन सा पागल खाना है ये? ये पागल खाना नहीं, मैं खाना है। ओ, शराब पीने आते हैं लोग यहाँ और मदहोश हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। हेलो विक्रम साहब। हेलो। हाय टोनी। हेलो। ए टोनी। यस। इसका ख्याल रखना, मैं फोन करके आता हूँ। अच्छा। और सुन, ये कहीं जाने पाए, इसे भागने की आदत है, समझा? ओके। अरुण, मैं अभी आया। एक और? अच्छा, ये ले। ए ए ए ए, कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो? नहीं, बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट डाउन। हाँ, ओके, हाँ जी, ये लीजिए। हेलो फ्रेंड। हेलो यार। बम फटने वाला है यहाँ। क्या? किसी को बताना नहीं। टाइम बॉम्ब वहां भी फटा था, यहां भी फटेगा। पूरी उतर गई। किसी को बताना नहीं, यहां टाइम बॉम्ब है। बॉम्ब, बॉम्ब, टाइम बॉम्ब है। बॉम्ब फटने वाला है। अरे भागो! अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कहां भाग रहे हैं लोग? अरे अरे अरे, किल को भाग रहे हैं। बॉम्ब फटने वाला है। बॉम्ब फटने वाला है। किसने बोला? मैंने बोला। अरे यार, मैं मर जाऊंगा, मेरे बाल बदल लगा रहे, मेरे पैंट में उड़ जाऊंगा यार। Hey!
ये मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर, आप सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मुबारक हो, उस शॉक की वजह से आपका बेटा ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अरुण तू ठीक हो गया? तू ठीक हो गया अरुण? विक्रम, विक्रम अरुण ठीक हो गया, अरुण ठीक हो गया। अरुण तू ठीक हो गया बेटे, तू ठीक हो गया बेटे। क्या अरुण ठीक हो गया है?
हाँ सपना, सच कहो विक्रम। मैं सच कह रहा हूँ सपना। थैंक यू विक्रम, थैंक यू। आज तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तुम दोनों फिर मिल जाओ, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, प्लीज विक्रम अभी। मैं उसे कृष्ण मंदिर भेज देता हूँ, बस तुम वहीं पहुंच जाओ। हाँ मैं जरूर आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी विक्रम। थैंक यू विक्रम, थैंक यू। ओके कहाँ जा रही हो बेटी? अपने अरुण के पास। क्या? मैं आपकी असलियत जान चुकी हूँ कंस मामा, और आपकी सारी काली करतूतें भी। ज्योति का खून आपने किया और इल्जाम अरुण पर लगवाया। हम दोनों को अलग आपने किया, अरुण को पागल आपने किया, सिर्फ मेरी जायदाद हासिल करने के लिए। अच्छा हुआ तुम्हें हमारी असलियत का पता तो चल गया। अब मैं तुम्हारी शादी जबरन उस पनवड़िये से करवाऊंगा। हाँ शंकर बिहारी के साथ। और तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम कर लूंगा। कभी नहीं, अब मुझे अरुण से कोई अलग नहीं कर सकता। बेवकूफ लड़की, अच्छा हुआ कि वो ठीक हो गया, क्योंकि अब तो सीधी फांसी लगेगी। ले जाओ इसे ऊपर। खबरदार जो मुझे अरुण के पास जाने से रोका तो। हटिए, हटिए, हट जाइए ना। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। चोली के पीछे क्या है? सपना, शंकर बिहारी को तो तेरे साथ में गाना गा, और तूने बंदूक पकड़ ली। अरे चल बगीचे में, तुझे तो मैं फूल पकड़ाऊंगा। चल प्लीज मामा जी, मेरी बात तो सुनिए। चलो मिस्टर विक्रम, अब आप उन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विक्रम बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। ऐसी बात मत कर मेरे यार, मुझे वो सब याद है जो तुमने मेरे लिए किया। आज भाई भाई के लिए नहीं करता जो तुमने किया। मैं तो कब से मां से कह चुका हूं, अब उसके एक नहीं दो बेटे हैं। विक्रम लेकिन तुम्हारी ठीक होने की खुशी सिर्फ मुझे और मां को ही नहीं, किसी और को भी है, सपना को। अरुण पश्चाताप की आग में जलकर उसका प्यार और भी पवित्र हो गया। विक्रम कहां है सपना, कैसी है वो? तू उससे मिलना चाहता है ना, तो भाग, भाग जा यहां से। विक्रम वो लोग किसी भी वक्त तुझे यहां से ले जाने के लिए आ रहे होंगे। सख्त पैरा है बाहर, पर तू भाग, सपना कृष्ण मंदिर में तेरा इंतजार कर रही होगी। क्या बात है सर? हम अरुण को हिरासत में लेने आए हैं। लेकिन सर अरुण ने नेटवर्क के कातिलों को पहचान लिया, उनके पकड़े जाते ही सारा केस रीओपन हो जाएगा। लेकिन कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसके ठीक हो जाने के 3 दिन बाद उसे फांसी देने का ऑर्डर है। इंस्पेक्टर टेक अरुण इनटू कस्टडी। सर अरुण रुक जाओ, रुक जाओ अरुण। सर सर अरुण भाग गया है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे मुंह का वो कहां है? I don't know सर। तो उसे पकड़ो। Start the search। क्या अरुण अस्पताल से भाग गया? कैसे भाग गया वो? हाँ? ओ मामा सपना भी भाग गई। तो,
अरुण सपना अरुण माफ कर दो अरुण सपना ये दुनिया हमें मिलने नहीं देगी लेकिन मैं भी अब इस दुनिया को जीने नहीं दूंगा अरुण तुम्हें पूरा हक है उनके साथ वही सुलूक करने का जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था You are under arrest. Mark! Ja, chokri! Mara mari chhod, hum to gaana gaayenge sapna! Peecha karo! Chalo! उस तरफ जाओ जी जाओ Thank you.
मिनिस्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? हमारे कारोबार की जगह चलाई जा रही है। हमारी बनारसी साड़ियों की दुकान भी जला दी। हाँ, और दारू की भी। चुप करो तुम। आप सब लोग मिलकर एक लड़के को, सिर्फ एक लड़के को नहीं पकड़ सकते क्या? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। कैसे बेफिक्र रहे हम? ये कोई लंका है जो उसमें आग लगाई जा रहा है? मैं अरुण की भलाई की बात करने आया हूँ बहन जी। इस आग को फैलने से सिर्फ आप रोक सकती हैं। आप उसको समझा दीजिए कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। कमिश्नर साहब, आपने कभी अपना घर जलते हुए देखा है? उसने देखा है। आज वो मामा ठाकुर के पाप की नगरी को जला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं उसे रोक दूं? नहीं, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। कर्नल साहब, आप क्यों नहीं समझाते? आप तो फौज में रह चुके हैं। फौज में तो हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कमिश्नर साहब, दुश्मन पर टूट पड़ो और उसका खात्मा करके लौटो। तो इसका अंजाम अरुण को भुगतना होगा। यहाँ जंगल राज नहीं चलता। कमिश्नर साहब, जलाने दीजिए अरुण को, समाज के इस हिस्से को। विक्रम, क्यों मेरी वजह से तुम अपनी वर्दी को खतरे में डाल रहे हो? मैंने माँ से वादा किया, मेरे दोस्त, तेरे साथ इंसाफ होगा, तुझे तेरी मोहब्बत मिलके रहेगी। मोहब्बत? मेरे दोस्त, आग भी लगाती है उन दिलों को जिनमें मोहब्बत के चिराग जलते हैं। मैं जानता हूं। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ। किससे? सपना से। सपना? चौक है ना, दुनिया में एक ही सपना तो नहीं मेरे दोस्त? एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम्हारी सपना के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं मेरे दोस्त, वो सिर्फ तुम्हारी है। और फिर तुम्हारे जैसी मोहब्बत तो जमाने में किसी ने नहीं किया मेरे यार। लेकिन इस वक्त वो मामा ठाकुर की कैद में है और मैं उसे वहां से। नहीं अरुण, मैं उसे वहां से ले आऊंगा। नहीं विक्रम, तुम्हारी वर्दी पे, तुम्हारे दामन में दाग नहीं लगना चाहिए। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अपनी हवेली के बाहर पहरा बढ़ा दे। तूने मेरे घर को जलाया था ना, मैं तुझसे जुड़ी हर चीज को राख करता जा रहा हूं। हरामजादे, मैं तुझे। बाबा, मैं तुझे भी जला दूंगा। भाई साहब, हम बर्बाद हो गए, वो हमें भी मार डालेगा। तेरी भाग चले। कहीं लगी तो नहीं ना? अरे पगले, ये बाजी मैं जीत के रहूंगा। अरुण को मैं मार के रहूंगा, हमारा धंधा फिर से खड़ा हो जाएगा। अब भी गाना गाने का शौक है ना, कि डर के मारे तुम्हारा। ए मामा, हम कह रहा हूँ, बिहार का शेर को चैलेंज मत करना। तो हमारा हुक्म है, सपना को टेकरी पे ले जाओ और गाना गालो। बगैर पुजारी के गाना गाते ही 200 करोड़ की जायदाद हमारी हो जाएगी। जाओ। अब होगा चट गाना, पट ब्याह सपना के संग। कमिश्नर, मामा ठाकुर, हम एक आंधी से लड़ रहे हैं जो कहीं भी किसी वक्त आ सकती है। इसीलिए मैं अपनी निगरानी में आपको पुलिस गेस्ट हाउस भिजवाना चाहता हूं, वहां आप महफूज रहिएगा। ठीक है। अरुण, बचाओ, बचाओ। कमिश्नर साहब, फॉलो दैट मैन। कमिश्नर साहब, बचाओ। रुक जा। कहाँ लेके जा रहे हैं? रुक जा। Oh my God.
ओह माय गॉड। देखो वैन को निकलवाने का इंतजाम करो। ससुर अरुण अरुण कहा था, ये अरुण का चक्कर खत्म करने के लिए तो हाथ टक लू। मामा ने हमसे कहा कि तुम पहले गाना गा दो, बाद में हम तुम्हारा शादी कर देंगे। अरे शादी के बाद तो हम तुमको पटना ले जाएंगे, फ्रेंड लोग से मिलाएंगे, वो बिहार में हमारा बहुत इज्जत है, हक पान वाला हमको जानता है। कौन है बेटू? अरुण तो नहीं, मगर अरुण का दूत ही समझो। दूत सपना को हमरे हवाले कर दे और निकल जा। कौन लगती है तेरी? इस रिश्ते का नाम तो नहीं पता, मगर मोहब्बत की कसम मैंने अरुण और सपना को मिलाने की कसम खाई है। अबा सपना को हाथ लगाकर तो दिखा। अरे हाथ तो हम जरूर लगाएगा, लेकिन उससे पहले ये शंकर बिहारी तुझे बहुत धोएगा। बुड़वक का कह रहा था हमको, सपना को हाथ लगा कर दिखा। शंकर बिहारी को ऐसा कह रहा था? ए सपना यहाँ, अरे धरा नहीं तो इसका खोपड़ी में हम होल बना देंगे। कम फास्ट फास्ट, अब तुम यहाँ बैठ के भैंस की तरह जुगाली करो। और शंकर बिहारी देखना कहाँ कहाँ हाथ लगाता है। अबे जा बिहारी, फिर कभी सपना पे नजर डाली ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझे? सर यहाँ पर तो सिर्फ एक लाश मिली है। यानी मामा को अरुण कहीं निकाल कर ले गया है। तुम्हारा बाप शंकर बिहारे। सपना बंधु साले को, वेरी गुड। सपना तुम कह रहे थे कि शंकर बिहारी तुम्हारे साथ गाना गाए बगैर मर ही नहीं सकता,
और आज तो हम तुम्हारे साथ ही कोरस का सामने एकदम सेक्सी गाना गाऊंगा। इधर उस वाले को
सब कुछ करके तुमने बड़ी बेसब्री बरती है, वरना तुम्हारी बेगुनाही तो साबित हो चुकी है। एडवोकेट सिन्हा पुलिस के गवाह बन चुके हैं। मुझे जो कुछ करना था मैंने कर दिया, अब आप जो करना चाहते हैं कीजिए। अरुण, तुम जिस दिमागी परेशानी और जिस्मानी जुल्म से गुजर चुके हो उसका ख्याल रखते हुए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि तुम्हारे साथ नरमी बरते। इंस्पेक्टर,